हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्लाजो कटिंग करना बताऊंगी। 2 मीटर मेरा फैब्रिक है, इसको 2 फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिए हैं और ऊपर जो भी कपड़ा तिरछा मिर्छा होगा उसको एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका लेंथ लेंगे जो लंबाई ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगा के और उसको स्केल के हेल्प से लाइन सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे और ऊपर से नीचे तक लेंथ लेंगे। इसका 36 इंच मेरा प्लाजो का लेंथ है और इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें 1 इंच प्लस करके उसको भी सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद अपना आसन के लिए लेंगे, इधर हम 14 इंच लिए थे कमर, उसके हिसाब से उधर भी 14 इंच ले लेंगे। नीचे से 14 इंच, यहाँ से 14 इंच लिए थे और नीचे भी 14 इंच ले लेंगे और उसको भी स्केल के हेल्प से ऊपर से नीचे तक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ज़्यादा हेवी साइज के लिए बना रहे हैं इसलिए 14 इंच लिए हैं और यहाँ से 2 इंच मार्जिन लेके इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद वहाँ सीधा लाइन स्केल रख के ऊपर से नीचे तक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका लेंथ देखिए मेरा 36 इंच रेडी है। इसका 20 सेंटर निकालेंगे तो इंची टप्पू मैंने ऐसे पकड़ा और उसको डबल फोल्ड करके इसका बीच का जो सेंटर है वहाँ पे निशान लगा के और सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से मेरा 16 इंच आया है। और घुटना का भी सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे बीच निकाल के और ऊपर से लाइन ड्रॉ करते करते नीचे तक पूरा सीधा लाइन एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे बीच का सेंटर निकल गया मेरा। बीच के सेंटर निकल जाता है तो अच्छा होता है, प्लाजो सिलने के बाद अच्छा फिनिशिंग आता है, मेरा उठता नहीं है, इधर उधर भागता नहीं है। फिर नीचे का मेरा 8 इंच मोहरी है तो 4 इंच उधर लगाएं और 4 इंच इधर और फिर ये घुटना के ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे 6 इंच, 16 इंच मेरा घुटना के फिनिशिंग है तो 6-6 इंच इधर उधर लगा लिए और ऊपर से नीचे तीनों जॉइंट को मिलाते हुए ऊपर से लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आसन का जो है उसको भी सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे स्केल को रखा और सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्केल को मैंने उस साइड नोक निकाला था, अब इसको इस साइड घुमा के और तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ते जोड़ते नीचे मिला देंगे। नीचे मिला दिए उसके बाद यहाँ राउंड शेप दे देंगे, इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। देखिए मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ, इसको ऐसे कटिंग करते जाएंगे, जो मेरा निशान है उसी निशान पे कटिंग करते जाएंगे। इसको भी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है प्लाजो कटिंग का, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसको भी साइड से ओपन कर लेंगे और पीछे का पार्ट काटेंगे, उसको अच्छे से जो भी कपड़ा बचा है उसको 2 फोल्ड में अच्छे से करके बिछा लेंगे। देखिए मैंने 2 फोल्ड करके बिछा दिया है और ऊपर का फ्रंट पल्ला लेंगे और ऊपर उसके ऊपर से रख के उसको बिछा लेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे 2 इंच ऊपर कपड़ा छोड़ते हुए एकदम मिला के अच्छा से सेट कर देंगे। देखिए 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा, हम यहाँ से 2 इंच पर निशान लगा देंगे और साइड में भी 2 इंच पर आसन के साइड से 2-2 इंच पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा रखेंगे। उधर कोई
चेंजिंग नहीं होगा, जो भी चेंजिंग होगा ये इधर 2 इंच पर लगा देंगे, उसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर से। और आसन के साइड भी 2 इंच लगा के सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ऊपर भी 2 इंच लगाए हैं, उसको स्केल लेंगे और तिरछा मिला देंगे। तिरछा करके स्केल के हेल्प से तिरछा मिला देंगे। जो भी चेंजेस आता है वो पीछे का पल्ला में ही आता है आसन के साइड में, बाकी उधर जैसे रहता है वही सेम ही रहेगा। नीचे तक पूरा 2-2 इंच पर निशान लगा के स्केल के हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही इजी है कटिंग करना दोस्तों। इसको इसी तरह लाइन पे उसको कटिंग करते जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जो भी आपको कोई भी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आपको जो भी डिज़ाइन हो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं। इसको साइड से खोल लेंगे और नीचे 2 इंच का पट्टी लगाना है। कपड़ा को फोल्ड करेंगे और 2.5 इंच पर मार्जिन देके 1/2 इंच मेरा सिलाई में जाएगा, और यहाँ ये 10 इंच है तो 11 इंच पर निशान लगा के कपड़े को काट लेंगे दोनों साइड से, और 2.5 इंच पर कटिंग कर देंगे। ऐसे ही हमको 3 और बनाना है, 4 चाहिए, क्योंकि प्लाजो में मेरा नीचे खुला हुआ साइड रहेगा तो उसको हम अलग से लगाएंगे। मेरा पूरा प्लाजो के लेंथ है 39 इंच, यहाँ पे लगाएंगे। देखिए 4 पीस मैंने काट लिया है, देखिए 4 फोल्ड है ये, और ये पाकिट है जो कि इधर साइड में लगेगा, और ये रहा मियानी। इस तरह स्टिचिंग कर लेंगे, बहुत ही आसान।